10 मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस इन द वर्ल्ड, दुनिया के 10 सबसे करप्ट सियासतदान। नंबर 10, सिगमंड डेविड गुनलक्सन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके मुल्क के सियासतदान ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट अफराद में से हैं, तो हो सकता है कि आप गलत हो, क्योंकि आइसलैंड के पिछले वजीर आजम सिगमंड डेविड दुनिया के सबसे करप्ट सियासतदानों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं, जिन्होंने अपने मुख्तसर से दौरे हुकूमत में ही इतने बड़े बड़े हाथ मारे हैं कि सारी दुनिया ने सर पकड़ लिया। हालांकि आइसलैंड दुनिया के इन ममालिक में से एक है जहां पर करप्शन इतनी ज्यादा नहीं होती। डेविड 2013 से 2016 के दौरान आइसलैंड के वजीर आजम रहे हैं। 38 साल की उम्र में वो आइसलैंड की तारीख के सबसे नौजवान वजीर आजम बने थे। पनामा पेपर्स रिलीज होने के बाद दुनिया के बहुत से करप्ट सियासतदानों के साथ डेविड की सच्चाई भी खुलकर दुनिया के सामने आई, जिसमें सबको मालूम पड़ा कि इन्होंने विंट्रस नामी एक कंपनी बैरून मुल्क बनाकर अपना सारा पैसा अपनी बीवी के नाम से इस कंपनी में छुपाया हुआ था। अपने गैर कानूनी काम को कानूनी रंग देने के लिए इन्होंने अपनी तमाम अशिया, बिजनेस और शेयर्स अपनी बीवी को सिर्फ $1 के एविज बेच दिए थे। पनामा पेपर्स के मुताबिक डेविड ने अपनी बीवी के साथ मिलकर $200 मिलियन से ज्यादा की करप्शन की है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 5,800 करोड़ रुपए बन जाते हैं। पनामा पेपर्स आने के फौरन बाद ही इनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। नंबर 9, पेत्रो पोरोशेंको, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। दोस्तों, पेत्रो पोरोशेंको यूक्रेन के 2014 से 2019 तक 5वें सदर रह चुके हैं। ये आदमी न सिर्फ यूक्रेन की तारीख के सबसे करप्ट इंसानों में से एक है, बल्कि आज भी वो डिस्ट्रॉयर ऑफ यूक्रेन इकोनॉमी, यानी कि यूक्रेन की इकोनॉमी को तबाह करने वाला कहलाया जाता है, जैसे कि आजकल हम इसहाक डार को कह रहे हैं। यूक्रेन अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मुताबिक साबिक सदर साहब ने $3 बिलियन खाया है। साबिक सदर साहब का नाम पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स दोनों में ही आ चुका है, जिसके मुताबिक इन्होंने ऑफशोर कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में डालकर वहां पर अपना पैसा ट्रांसफर करके छुपा दिया था। इस कंपनी का नाम प्राइम एसेट पार्टनर्स लिमिटेड था और ये इन्होंने 21 अगस्त 2014 को बनाई थी। रिकॉर्ड के मुताबिक वो इस कंपनी के वाहिद मालिक और शेयर होल्डर भी हैं। इसके बावजूद इन्होंने खुद को बाकायदा डिफेंड करते हुए कहा कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो कि दुनिया के बाकी अमीर लोग ना करते हों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि दुनिया का वो वाहिद इदारा है जो कि ऐसे करप्ट दानों पर नजर रखता है, इस इदारे ने भी कहा था कि सदर होते हुए अपना बिजनेस बना लेना बिल्कुल गैर कानूनी है। साल 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के हिस्से क्राइमिया पर हमला किया, तो इस वक्त पेत्रो ही सदर थे और रूस को इस वक्त इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी कि कहा जाता है कि इन्होंने 1 महीने में 1 गोली चलाए बगैर ही यूक्रेन के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसकी बड़ी वजह यही थी कि इस वक्त यूक्रेन के ऊपर पेत्रो की हुकूमत थी, जिसको करप्शन करने से कोई फुर्सत नहीं थी। आज इनके बिजनेस की वजह से इनकी नेटवर्थ $1 बिलियन, यानी कि पाकिस्तानी 29,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मानी जाती है। नंबर 8, किम जोंग यून, प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग यून न सिर्फ पूरे मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान है, बल्कि इन्होंने यहाँ पर करप्शन करने में भी PhD कर रखी है। किम का खानदान साल 1948 से लेकर आज तक इस पूरे मुल्क को चला रहा है। पूरे मुल्क और यहाँ की हुकूमत को इनकी फौज डंडे के जोर से चलाती है। और दोस्तों, एक मिसाल भी मशहूर है कि अल्टीमेट पावर अल्टीमेटली करप्ट, यानी कि बहुत ज्यादा ताकत बहुत ज्यादा करप्ट कर देती है इंसान को। और इस मुल्क में भी कुछ ऐसा ही हाल है। 1990 की दिहाई में सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद कोरिया का भी यही हाल हुआ और यहाँ का ऑफिशियल राशनिंग सिस्टम, यानी कि राशन देने का ऑफिशियल सिस्टम भी, इनके खुराक का निजाम भी बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे में आज यहाँ अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। और किम जोंग यून की अपनी नेटवर्थ $5 बिलियन लगभग 1,45,000 करोड़ रुपए बन जाती है। हम किम जोंग यून के बारे में एक डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको आज की वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। नंबर 7, डेविड कैमरॉन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। दोस्तों, बर्तानिया के डेविड कैमरॉन बर्तानिया के पिछले प्राइम मिनिस्टर्स में से एक हैं, जिनका ताल्लुक एक अमीर कबीर खानदान से था, मगर इसके बावजूद इन्होंने करप्शन करने और ऑफशोर कंपनीज बनाकर इनमें पैसा छुपाने का इल्जाम लगता रहा है। वो 2010 से 2016 तक बर्तानिया के वजीर आजम रहे और इसी दौरान इन्होंने बर्तानिया के एक अमीर सरमायादार लेक्स ग्रेंसिल के साथ मिलकर खूब पैसा कमाया। ताहम डेविड कैमरॉन की करप्शन दूसरे अफराद की तरह बिल्कुल नहीं, और इन्होंने अपने पैसे को बड़े अच्छे तरीके से छुपाया है। और आज पूरा बर्तानिया इन पर उंगलियां तो उठाता है, मगर कोई भी इन पर $1 की करप्शन ही साबित नहीं कर सकता। जैसे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर एक धेले की करप्शन भी साबित होगी तो ये कर देना वो कर देना। ये सब कुछ डेविड कैमरॉन ने असल में करके दिखाया है, क्योंकि ये एक ऐसा जहीन इंसान था जिसने एक सिस्टम के जरिए करप्शन की, जिसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे फर्द का हिस्सा इसको मिलता था। इसलिए आज बर्तानिया के सियासतदानों में इन पर उंगली
उठाने वालों की तादाद बहुत कम है और इनकी अपनी नेटवर्थ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के लगभग बताई जाती है। नंबर 6, खलीफा बिन जैद अल नाहयान, किंग ऑफ यूएई। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाह खलीफा बिन जैद अल नाहयान ना सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक है बल्कि वो दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों की लिस्ट में भी शामिल होते हैं। खलीफा साहब की इमारत का आज ये हाल है कि इनके कमरे तो छोड़े, इनके घर के बाथरूम भी सोने के बने हुए हैं। पनामा पेपर्स के मुताबिक बादशाह सलामत ने अपने दौरे हुकूमत में 200 बिलियन डॉलर्स अपने मुल्क के कौमी खजाने से निकाला और आज के साल 2022 में इनकी मौत के वक्त इनकी नेटवर्थ ऑफिशियली जो डिक्लेयर किए जा चुकी थी वो 20 बिलियन डॉलर्स थी, जिनमें सिर्फ लंदन में ही 2 बिलियन डॉलर की लग्जरी प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इन्होंने तमाम प्रॉपर्टीज मोसेक फोंसेका नामी एक कंपनी की मदद से बनाया जो कि बरतानिया के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कायम है। नंबर 5, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों, दुनिया के सबसे करप्ट अफराद की लिस्ट में 5वें नंबर पर भारत के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी आते हैं जो कि पिछले 9 सालों से भारत के वजीर आजम हैं और इनकी पार्टी बीजेपी के सरबरा भी हैं। मोदी न सिर्फ एक करप्ट इंसान है बल्कि वो एक रेसिस्ट यानी कि नस्ल प्रस्त इंसान के तौर पर भी पूरे भारत में मशहूर हैं, जिन्होंने दहशत के जरिए भारत में अपना हुंडा राइज काम किया हुआ है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क भारत में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल में भी है। बरतानिया के वजीर आजम जेम्स कैमरॉन की तरह भारत के मोदी साहब की करप्शन भी एक अजीम सिस्टम का हिस्सा है जिसमें से एक नहीं बल्कि भारत के बहुत से मिनिस्टर्स शामिल हैं, जिसकी वजह से आज मोदी को बीजेपी और अपोजिशन दोनों पार्टियों की मदद हासिल है और कोई भी इन पर उंगली नहीं उठाता। नंबर 4, आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के सावेक सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में ये कहा जाए कि वो इस लिस्ट पर मौजूद सबसे शातिर, सबसे जहीन और अमीर तरीन इंसान हैं, तो शायद ये बात गलत ना हो। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के करप्ट तरीन सियासतदानों में से एक है जिन्होंने सिंध के बाजारों से तरक्की करनी शुरू की थी और पाकिस्तान का सदर बन के दिखाया। वो जितना अपनी जहानत की वजह से मशहूर है इतना ही वो अपनी मुतनाज़ शख्सियत की वजह से भी जाने जाते हैं और आज भी इनके बारे में दुनिया यही कहती है कि जब कभी भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान कोई बड़ा डेडलॉक बन जाता है तो सबके दरमियान कोई ना कोई सियासी सुलह कराने के लिए आसिफ अली जरदारी को बुलाया जाता है। आज आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं, जिनकी अपनी नेटवर्थ कुछ अंदाजों के मुताबिक 10 बिलियन डॉलर्स के लगभग बताई जाती है। करप्शन के अलावा भी आसिफ अली जरदारी पर बहुत से इल्जाम हैं, जिनमें से एक अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल और अपनी ही बीवी बेनजीर भुट्टो का कत्ल भी शामिल है। आसिफ अली जरदारी ने करप्शन का काम आज के दिन से नहीं बल्कि 1980 और 90 की दिहाई से शुरू किया था, जब इनकी बीवी बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की ताकतवर तरीन सियासतदान थी और जरदारी साहब अपनी बीवी के नाम पर हर बिजनेस से ही अपना हिस्सा लिया करते थे और इसी दौर में इस चालबाज इंसान को मिस्टर 10% का लकब दिया गया था। अगर आप आसिफ अली जरदारी के बारे में डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, सलमान बिन अब्दुल अजीज, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। दोस्तों, दुनिया के सबसे करप्ट अफराद की लिस्ट में तीसरे नंबर पे कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आते हैं जो कि पिछले 8 सालों से इसी सीट पर मौजूद हैं। सऊदी अरब के बादशाह होने के अलावा वो खाना काबा और मस्जिद नबवी के निगरान भी हैं, जिसकी वजह से वो बाकी पूरी दुनिया के मुसलमान पॉपुलेशन के दिलों में एक खास जगह भी रखते हैं। इसके बावजूद बाकी सऊदी बादशाहों की तरह शाह सलमान की इमारत और इनका लाइफस्टाइल भी बस यही कहता है कि ये लोग करप्शन करने और 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने में नेक्स्ट लेवल पे हैं और इन अफराद के लिए तो शायद अब बिलियनियर्स का लफ्ज भी छोटा पड़ चुका है। इसी लिस्ट पर मौजूद दूसरे अफराद की तरह शाह सलमान का नाम भी इन अफराद में आता है, जिन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में अपनी कोई ना कोई 2 नंबर कंपनी बनाकर अपना सारा काला धन सफेद करके यहाँ पर छुपाया हुआ है। इन्हीं में से एक प्रॉपर्टी सेंट्रल लंदन में भी खरीदेगी और दोस्तों आज इन बाबा जी की अपनी नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर के लगभग बताई जाती है, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इनके बहुत से दूसरे वली एच शहजादों के नाम पे भी लंदन में अरबों डॉलर की जागीरें मौजूद हैं। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। दोस्तों, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज पूरी दुनिया के सबसे अमीर, ताकतवर और करप्ट तरीन अफराद में से एक हैं, जो कि साल 1990 की दहाई से ही रूस के सदर बने बैठे हैं और आज दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में ऐसा कोई ऐसा काम नहीं जो कि इनकी मर्जी के बगैर हो सकता हो। हाल ही में पुतिन ने एक रेफरेंडम भी कराया जिसके जरिए ये खुद को 2036 तक अपने मुल्क रूस का सदर बनवा चुके हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि आज ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं, जबकि इनके पास 200 बिलियन अमेरिकी
अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का माल मौजूद है और पूरे रूस में एक फेवरेट ही समझे जाते हैं। 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लेने के बाद आज वो अपनी अफवाज का रुख यूक्रेन की तरफ कर चुके हैं और प्यूटिन का ये हाल है कि पूरी दुनिया ही यूक्रेन की मदद कर रही है, इसके बावजूद भी प्यूटिन हार मानने को तैयार नहीं है। और अगर आप इनके लाइफस्टाइल के बारे में एक मुकम्मल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर वन, नवाज शरीफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आप पूरी दुनिया के सबसे करप्ट सियासतदानों का जिक्र करना चाहते हैं तो हम आपको बताते चले कि अमरीकी जरीदे Forbes.com और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों की लिस्ट में नंबर वन पर है। नवाज शरीफ साहब 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम बन चुके हैं और तीनों बार इन्होंने इतनी करप्शन की है कि इनको अवाम ने उठा के बाहर फेंका है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के सबसे अमीर अफराद में से भी एक है, जिनकी अपनी नेटवर्थ 10 से 20 बिलियन से ज्यादा बताई जाती है। नवाज और इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली पाकिस्तान में बहुत से कारोबार के मालिक हैं, जिनमें रियल एस्टेट शामिल हैं, स्टील मिल्स शामिल हैं, राइस मिल्स यानी कि चावलों की मिलें शामिल हैं, आटे की मिल्स, फ्लोर मिल्स शामिल हैं और शुगर मिल्स भी शामिल हैं। पनामा पेपर्स लीक होने के नतीजे में शरीफ खानदान, खास तौर पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर करप्शन के भारी इल्जाम लगे और इनको पाकिस्तान की तारीख के सबसे करप्ट इंसान होने का नाम दिया गया, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको और इनकी बेटी को हुकूमत करने से भी नाअहल करार दे दिया। नवाज शरीफ के खानदान ने जो भी करप्शन की है वो मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर में है, क्योंकि ये खानदान पिछले 40 सालों से ज्यादा अरसे से पाकिस्तान की जड़ों में बैठा इसका खून चूस रहा है और इसलिए नवाज शरीफ आज दुनिया के सबसे करप्ट सियासतदानों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं।